अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर अभी आपको एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर 23 था। अब लास्ट क्वेश्चन है का, जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़े से मुश्किल है। अब आप समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये कह रहे हैं कि ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन, मतलब ये दो कोई पर्सन आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपके फर्स्ट और सेकेंड, ठीक। ये लाइन और ये लाइन जो दी हुई है रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जिसपे जो है दो ट्रेन पास हो रही है। अब पर्सन जो खड़ा हुआ है वो थर्ड पॉइंट यहाँ पर खड़ा हुआ है इस वाले पॉइंट, और जो तीसरी जो लाइन है आपकी वो ये है 6x -7y+8=0। वो यहाँ पर पहुंचना चाहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, मतलब कम से कम टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन इस तरीके से हमें जाना, ये फाइंड आउट करनी है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज करो ये ए है, ठीक है। यहां से हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए एम फाइंड आउट करनी है। अरे वजन नहीं, मतलब दो लाइन को रिप्रेजेंट करने के, ये दो लाइन है जिसको दो लाइन से पास हो रही है, ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका ए है। हमें ये तीसरी जो लाइन दी हुई है वो यहाँ पहुंचना चाहता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट शुड फॉलो, हमें जो फाइंड आउट करना है, जो पाथ फाइंड आउट करना है उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ए एम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए एम ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले काम हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हमें ये पॉइंट पता चल जाता है, अगर ये पॉइंट पता चल जाता है फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें ये पॉइंट पता चल जाएगा और उस लाइन का हमें स्लोप पता है। तो पहले तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2x-3y+4=0। इनको सॉल्व करने के लिए हम कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8x-k 4 3 12y+k 4 4 16=0। C3 9x+k 3 4 12y-k 3 5 15=0। ये आपका कैंसिल हो गया, 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 17 17x, और ये आपका हो जाएगा आपका +1=0, है ना। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 2 8 4 3 12 4 4 16, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 3 4 12 3 5 15, यहाँ ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं। ये आपका 17x+1=0, तो x=2 कितना है आपका -1/17 है। इसी तरीके से हम इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप x की वैल्यू पुट कर लो, या फिर आप कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहो कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हो। अगर हम x को इक्वल करना चाहें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 -k 3 3 9y+k 12=0, 2 3 6x+k 2 4 8y-k 10=0, माइनस यहाँ माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज कर रहे हैं, ये 6x से 6x कैंसिल,
माइनस है 17 बाई, और यहाँ प्लस का 12 है, ये 20 प्लस का 10 है, तो कितना हो गया प्लस का 22 इक्वल टू 0, यानी कि वाई इक्वल टू आ गया आपका पॉइंट 22 अपॉन 17। और एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 1 अपॉन 17, माइनस 1 अपॉन 17 आ रही है ना, ये जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 17 आ रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो ये पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया इससे, माइनस 1 अपॉन 17 और 22 अपॉन 17। अब हमें ये पॉइंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हमें इक्वेशन क्या निकालनी है, अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ए एम सी। जब ए एम सी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो आप ये देखो उसके लिए हमें एक पॉइंट की चाहिए जरूरत होती है और स्लोप की भी जरूरत होती है। तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है इसके कंपेयर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7y = 6x + 8। तो y = 6/7 x + 8/7, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया आपका m = 6/7। जब इस लाइन का स्लोप अगर 6/7 है ना, ये m1 है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा, है ना, परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा -7/6, है ना। कौन सा रूल इसमें फाइंड आउट कर यूज कर रहे हैं, m1 m2 = -1, ठीक है। हमने m1 m2 = -1 यूज किया था, हमें m2 पता चल गया -7/6 है। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, y - y1 कितना है 22/17, m कितना है, m है आपका -7/6, x - x1 1/7, x/17 से। बस ये आपकी इक्वेशन है, इसको आप तो मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 17। अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो 17y - 22, ये -7/6 है, ये हो जाएगा 17x + 1/17, तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा इधर का और इधर से, ठीक है। अब आप 6 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो 6 से कर सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह है थोड़ी सी, ये हो जाएगा आपका 6 से 17 की 6 से करी कितना होगा 102, y 6 से करेंगे 6 2 या 12 132, फिर माइनस की 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -119 है और -7, इसको हम इधर ले आएंगे तो 119x + 102y, ठीक है, और ये 132 जो है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस का 132 हो जाएगा और माइनस का 7 है तो 125 हो गया। ये इक्वेशन हमने निकाल ली जो शॉर्टेस्ट पाथ वाली, ठीक है। एक बार और देखो हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो लाइन है, ठीक है, तो जो जो रेलवे स्टेशन का जो मिड पॉइंट है उधर जो हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जो जंक्शन है, जंक्शन वही होता है जहाँ रेलवे लाइन दोनों जो है इंटरसेक्ट करती है, दोनों रेलवे लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ए पर कर रही है, ठीक है। और एक तीसरा है, किसी लाइन पर उसे पहुंचना है शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम टाइम में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो पॉइंट कौन सा है जिस पॉइंट से हमें मूव करना है। वो पॉइंट मूव करने के लिए वो पॉइंट हमने क्या लिया, उसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करने के बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी और फिर हमने क्या किया, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी। जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करनी है, वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो हमें दो पॉइंट पता होते तो टू पॉइंट फॉर्मूला निकाल सकते थे, या फिर हमें यह पता होना चाहिए इसका स्लोप कितना है। तो स्लोप पता करने के लिए उन्होंने कंडीशन दी है, ठीक है,
एक लाइन है जिस लाइन पे हमें जाना है, तीसरी लाइन, तो ये लाइन पे ये वाली जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? तो परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर का स्लोप हमें पता है कैसे निकाला जाता है। पहले काम हमने क्या किया, इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया। जब हमने इस लाइन का स्लोप निकाला तो 7y = 6x + 8 था, तो y = 6/7x + 8/7 हो गया। इसका स्लोप कितना आ गया, m1 = 6/7, और m2 क्या हो गया आपका स्लोप, क्योंकि m1 m2 = -1 होता है, तो इसको हमने यूज करके हमने दूसरी लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया। m2 = कितना हो जाएगा, -7/6। तो y - y1 = m x - x1। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा 17, तो 17y - 22 = -7/6, 17x + 1 / 17, या हमने 17 से 17 कैंसिल कर दिया, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि इससे नहीं थी तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 17 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी, 22 की 6 से कर दी, फिर 17 दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमने फॉर्म देखी कि 119x + 102y, और इसको राइट साइड में ले गए 125y हो गया। इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हमने 24 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको जो है ये चैप्टर हमारा जो चैप्टर 10 था, काफी लेंथी चैप्टर था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है काफी एग्जांपल भी ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है एग्जांपल भी है ना इसके कर लेंगे, है ना, एग्जाम्पल भी करेंगे और ये एक्सरसाइज जो भी किया है उसको आप रिवाइज करेंगे, तभी है ना इसमें काफी टाइम देना होगा, इसमें फॉर्मूले काफी ज्यादा थे, ठीक है? तो फॉर्मूले भी आपको लर्न करने होंगे। तो जब भी कभी आप आएंगे क्लासेज में तो मैं कोशिश करूंगा आपसे है ना इसको फॉर्मूले भी है ना सुने जाए, और अपना जो भी काम है आप याद तक का चैप्टर नंबर 10 तक का आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये हमारा जो है इस क्लास का आप अभी यहाँ यही फिनिश करते हैं, तो अगले नाम अगले आगे शुरू करेंगे।